बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ये जो पार्टी थी, हिंदुस्तान की पहली पार्टी, पहली पॉलिटिकल पार्टी थी, ये कब बनाई गई, क्यों बनाई गई, इसके पीछे क्या वजूहत थी। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कुछ तीन बेसिकली, इसके अलावा भी बहुत सारे वजूहत, लेकिन इन तीन वजूहत जिसकी वजह से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई, एक वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट, दूसरा जो है एल्बर्ट बिल, और तीसरा जो है सिविल सर्विसेज में एज की कमी। ये तीन बेसिकली वजूहत थी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने की। वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट, इस एक्ट के जरिए जो है ना बरतानवी हुकूमत ने कोशिश की अपनी जो है हुकूमत की नाकामियों को, और हुकूमत की जो जितने भी कारकर्दगी जो हिंदुस्तान के बरसगीर के लोगों को दबाने के लिए, बरसगीर के लोगों के साथ जो वो सही या गलत रवैया जो अपना रहे थे उसको दबाने के लिए प्रेस पर, इनकी मीडिया पर पाबंदी लगाई, तो उसको कहते हैं वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट। तो ये एक्ट भी बरसगीर के लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं था, और ये एक्ट प्रेस एक्ट 1878 में ये अच्छा। और जो दूसरी बात है एल्बर्ट बिल एक्ट जो है, एल्बर्ट बिल जो 1882 में ये बिल लाया गया, बेसिकली इस बिल की में ये था कि बरसगीर की जितने भी जजेस थे वो ब्रिटिश नेशनल्स को, इनकी बरतानवी अंग्रेज जो है जो बरसगीर के अंदर रहाइश पजीर थे या मुकीम थे, उनके खिलाफ जो है वो फैसला सुना सकते थे इस बिल के मुताबिक। लेकिन जब ये बिल पास कराया गया तो जितने भी बरसगीर में अंग्रेज लोग रह रहे थे उन्होंने बिल के खिलाफ जो एहतजाज शुरू किया। उन्होंने कहा कि बरसगीर के जो जजी थे वो उनके साथ बेहतर जो है वो फैसला नहीं कर पाएंगे, तो लिहाजा हुकूमत ने अपने इनकी लोगों के कहने पर इस बिल को चेंज किया, तो जिसकी वजह से भी लोगों के अंदर, हिंदुस्तान के लोगों के अंदर एक मायूसी जो है फैल गई। और तीसरी जो बात है सिविल सर्विस जो एग्जाम था हिंदुस्तान की, उसकी एज लिमिट को कम कर दिया गया, क्योंकि एज लिमिट कम करने से बरतानवी जो है गवर्नमेंट हिंदुस्तान के लोगों को सिविल सर्विस के अंदर जो है कम लाना चाह रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनकी ये जो उनकी डिमांड थी कि एज लिमिट को थोड़ा सा बढ़ाया जाए ताकि बरसगीर के जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस इम्तिहान में पास हो सके। तो ये मेन तीन वजहें थी जिसकी वजह से जो है मिडिल क्लास इंडियन में जो एक मुखालिफत का एक जज्बा है वो उभर गया बरतानवी हुकूमत के खिलाफ। Consequently, some of them came together and formed a number of small political parties that came out in the street for protest and rallies. तो इनमें से बहुत सारे लोग जो है वो एक दूसरे के साथ मिल गए और छोटी पार्टियां बना ली, और कुछ जो है वो सड़कों पर निकल आए प्रोटेस्ट करने के लिए। The British forced the situation resulting in another rebellion and the pattern of the War of Independence of 1857. अब बरतानवी हुकूमत ने यह महसूस किया जब इन लोगों ने, जब बरसगीर के लोगों ने मुख्तलिफ रैलीज निकालना शुरू किया, पॉलिटिकल पार्टी बनाना शुरू किया, तो उन्हें खौफ तारी हुआ बरसगीर के लोगों से कि अगर इस खौफ को या मतलब अगर खत्म ना करें तो हो सकता है कि दोबारा जो एक वार ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो जाए हुकूमत के खिलाफ। तो इस सिचुएशन से अवॉइड करने के लिए ब्रिटिश डिसाइडेड टू प्रोवाइड एन आउटलेट टू द लोकल पीपल वेयर दे कुड डिस्कस देयर पॉलिटिकल प्रॉब्लम। तो इसलिए वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहते थे जहां पे लोग एहतजाज रिलीज और आजादी के लिए जंग लेने की बजाय एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया ताकि लोग अपने मसाइल को आगे अंग्रेज हुकाम के सामने पेश किया जा सके। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। इन ऑर्डर टू अचीव दिस गोल एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, हेड ए सीरीज ऑफ मीटिंग विद लॉर्ड डफरिन द वाइसराय। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए एक अंग्रेज रिटायर्ड वकील था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, और ये जो है सिविल सर्वेंट रिटायर्ड थे, उसने लॉर्ड डफरिन के साथ मुलाकात की। देन ह्यूम कंसल्टेड द लोकल इंडियन लीडर्स एंड स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर द सेटलमेंट ऑफ एन इंडियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। वाइसराय के साथ मिलकर वो इंडियन जो लोकल है मुकामी लोगों से उन्होंने मुशावरत की और एक सियासी पार्टी बनाने का फैसला किया। ही इन्वाइटेड द कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल यूनियन। उन्होंने जो है ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन की जो है एक इजलास बुलाई, एन ऑर्गेनाइजेशन ही हैड ऑलरेडी फॉर्मड इन 1884। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इनकी इंडियन नेशनल यूनियन जो कि उस ह्यूम ने बनाई थी 1884 में, तो इसमें जो है ना इस यूनियन के मीटिंग के दौरान एक इजलास बुलाई गई टू बम्बई इन दिसंबर 1885, दिसंबर 1885 में।
70 delegates, most of whom were lawyers, educationists and journalists, attended the convention in which the Indian National Congress was established. और इस मीटिंग में जो कि 1850 में बुलाई गई थी, 70 जो है डेलीगेट्स इनकी लोगों ने यह वफूद में शिरकत की, जिनमें ज्यादातर वकील, माहिर तालीम और जर्नलिस्ट शामिल थे। और इस मीटिंग में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई। दिस फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वाज प्रेसाइडेड अवर बाई उमेश चंद्रा बनर्जी। इसकी जो पहली जो इजलास की सदारत थे वो उमेश चंद्रा बनर्जी ने की, एंड ही वाज आल्सो इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इन्हीं को जो है पहला सदर बनाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनकी क्या मकासद मुतयन किए शुरू में। टू बिगिन विद, कांग्रेस एक्टेड एज ए किंग्स पार्टी। इट्स अर्ली एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पर, इनकी शुरू में ये कांग्रेस किंग्स पार्टी थी, इनकी बादशाह की पार्टी थी, इनकी इसकी ऑब्जेक्टिव जो है कुछ और थे। नंबर वन, टू सीक द कॉपरेशन ऑफ ऑल इंडियन इन इट्स एफर्ट, इनकी तमाम इंडियंस के साथ ताउन करना। इरिटेट द कंसेप्ट ऑफ रेस, क्रीड एंड प्रोविंशियल प्रेजुडाइसेस एंड ट्राई टू फॉर्म ए नेशनल यूनिटी, इनकी नस्ली अख्तलाफात को दूर करना, खत्म करना, नस्ली और जितने सूबाई तासुबात उसको खत्म करने के लिए खत्म किया, और तमाम हिंदुस्तान के जितने भी लोग रहे तो उन सबको एक कौमी तौर पर मुतहद करना इसका दूसरा मकसद था। डिस्कस एंड सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री, लोगों के समाजी हालात को, समाजी मसायल को बेहतर करना, उसको डिस्कस करके उसको हल करना। टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट गिव मोर शेयर टू द लोकल इन एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, गवर्नमेंट से रुजू करना कि वो यहाँ के मुकामी, हिंदुस्तान के मुकामी लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है मुल्क के इंतजामी मामला में शामिल किया जाए। एज टाइम वेंट बाई द कांग्रेस चेंज इट्स स्टांस एंड अपेरेंटली बिकेम द बिगेस्ट अपोजिशन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इनकी शुरू में यह किंग्स पार्टी के नाम से बनाया गया, मीन्स ये बरतानी बादशाह की पार्टी कहलाया जाने लगा, लेकिन वक्त के साथ साथ कांग्रेस ने अपने जो मकासद वो चेंज कर दिए और टोटली ये बाद में जो है ना अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, उसके खिलाफ उठ खड़े हुए। अच्छा, मुस्लिम रिएक्शन क्या था? मुस्लिम्स प्राइमरीली अपोज द क्रिएशन ऑफ कांग्रेस एंड रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन इट एक्टिविटीज, कि मुसलमान जो शुरू से इस पार्टी के बनाने के मुखालिफ थे और शुरू से इस एक्टिविटीज के हमेशा जो है उन्होंने मुसलमान शामिल होने से इनकार किया, क्योंकि मुसलमानों को पता था कि ये जो पार्टी बना ही हिंदुओं के लिए बन रही है और बाद में जिसमें जितने भी लोग थे वो हिंदू ही थे, तो मुसलमानों को शुरू ही से पता था कि हिंदू के तासुब का, और उनको पता था कि मुसलमान जो है कभी भी अपने हुकूक इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपने हुकूक हासिल नहीं कर सकते, तो लिहाजा जितने भी मुस्लिम कायदीन हैं सब ने मुसलमानों को मना किया कांग्रेस में शामिल होने से। आउट ऑफ 70 डेलीगेट्स हु अटेंडेड द ओपनिंग सेशन ऑफ द कांग्रेस ऑनली टू वर मुस्लिम, इनकी 70 लोग जिन्होंने इस पहले जो कांग्रेस के इजलास में शिरकत की थी उसमें से सिर्फ 2 मुस्लिम रहनुमा थे। सर सैयद अहमद खान हुआ इनवाइटेड टू अटेंड द बम्बई सेशन रिफ्यूज द ऑफर, ये सर सैयद अहमद खान को भी बुलाया गया था कि वो कांग्रेस की मीटिंग ज्वाइन करें, लेकिन उन्होंने इनकार किया। आल्सो आई द मुस्लिम टू अब्सट्रेन फ्रॉम द कांग्रेस एक्टिविटीज, उन्होंने मुसलमानों को कहा कि वो कांग्रेस की एक्टिविटीज से अपने आप को दूर करें, अपने आप को परहेज रखें, कि कोई भी कांग्रेस अगर किसी भी बात पर मुसलमानों को उकसाते हैं तो मुसलमान उनकी बातों में न आए। एंड प्रेडिक्टेड दैट द पार्टी वुड इवेंचुअली बिकम ए हिंदू पार्टी, और उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि आखिरकार जो है ये फाइनली जो है हिंदू की पार्टी ही बनेगी, एंड आने लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द हिंदू, और सिर्फ हिंदू के मफादात के लिए ही काम करेगा। और ऐसे ही हुआ, सैयद ने जो प्रेडिक्ट किया था, जो निशानदेही की थी, वाकई हुआ कि बाद में कांग्रेस ने सिर्फ हिंदू के हकूक की बात की, कभी भी मुसलमानों के हकूक की बात नहीं की। सैयद अमीर अली अनदर इंपॉर्टेंट मुस्लिम फिगर्स ऑफ द एरा आल्सो रिफ्यूज टू जॉइन इंडियन नेशनल कांग्रेस, सैयद अमीर अली जो है वो अहम मुस्लिम रहनुमा थे, उन्होंने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करने से इनकार किया। लेकिन यहाँ पे एक बात इम्पोर्टेंट है कि कायदेजम लेकिन कांग्रेस में शामिल हुए थे 1900 में, और 1900 के बाद जो कांग्रेस की एक्टिविटीज में कायदेजम हमेशा पेश पे रहे, कुछ बातों को कांग्रेस मानती रहे कायदेजम की, लेकिन 1913 में जब कायदेजम मुस्लिम लीग में शामिल हुए तो उस वक्त कायदेजम कांग्रेस के भी मेंबर थे, तो दोनों पार्टीज के मेंबर की हैसियत से आपने दोनों पार्टीज को साथ मिलाने की कोशिश की ताकि मुसलमान और हिंदू दोनों मिलकर जो है अंग्रेजों से अपनी आजादी हासिल कर ले।
लेकिन कायद अजम की ये कोशिश है वो नाकाम हो गई और उनकी जो तासुबात है वो 1916 के बाद यादव पहली जंग आजम के दौरान खुलकर सामने आई, जब इनकार के हिंदू ने मुसलमानों को इनका हकूक देने से, तो आखिरकार 1920 में जो है कायद अजम ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद आपने सिर्फ मुसलमानों के हकूक के लिए लड़ना शुरू किया, क्योंकि इससे पहले आप हमेशा इत्तेहाद की बात करते थे।